सॉल्व करनी है। जेज है जॉकर, जो कि आप सीख के आ चुके हैं पिछले पेज पर। जेज है जॉकर, इसके राउंड आप सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है बेटा स्मॉल लेटर जे, आपने स्मॉल लेटर जे को ट्रेस करना है और इसे रेलेवेंट पिक्चर में कलर करना है। बेटा स्मॉल लेटर जे लॉर्ड थ्री लाइंस पर लिखा जाएगा, यानी नीचे वाली तीन लाइंस पर। तो बेटा इसको भी आपने सेम ऐसी ट्रेस करना है, लॉर्ड थ्री लाइंस पर स्टैंडिंग लाइन ड्रा करके लेफ्ट साइड पर आपने हल्का सा इस तरफ टर्न कर देना है। इस एरो को आप फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह बेटा आपने इसकी एक्सरसाइज करनी है जे ज जग, ये पी पर फैन होता है, लेकिन अब हमने क्या करना है, जे ज जग के राउंड सर्कल करना है, बिकॉज ये पिक्चर जे से रेलेवेंट है। नेक्स्ट है बेटा राइट कैपिटल जे एंड स्मॉल जे इन द गिवन लाइंस। क्या करना है, आपने कैपिटल एंड स्मॉल लेटर लिखना है जे। अब पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को या ट्यूटर्स जो पढ़ा रही हैं वो बच्चों को थ्री डॉट्स लगा दें, हेल्प कर दें, ताकि एक सीक्वेंस में लेटर लिखा जाए। बेटा आपने कैपिटल एंड स्मॉल लेटर इन दोनों को ट्रेस करना है और इधर फर्दर थ्री टाइम्स आपने राइट डाउन करना है। इसके अलावा आपने फर्दर रजिस्टर पर इसकी प्रैक्टिस करनी है एज अ असाइनमेंट वर्क, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इस सिलेबस की तरफ जो कि आपको इशू किया गया है। इस सिलेबस में हमारा जनरल नॉलेज में टॉपिक खत्म हो चुका था सेंसिस, आपने बेटा इसी को रिपीट करना है। इसके अलावा इस्लामियात का हमारा फरिश्ते टॉपिक चल रहा था, ये भी हमारे सवाल मुकम्मल हो चुके हैं। आपने बेटा इन तमाम सवालों को अच्छे से याद करना है, दोबारा से रिपीट करना है, ठीक है बेटा। इस आज के लिए इतना ही बेटा, कल मिलते हैं एक नए लेसन के साथ। मैम शाजिया को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।